Hello everyone, today I welcome you all in this English lecture. Today we'll start with the Joan of Arc by George Bernard Shaw. So let's see who was George Bernard Shaw. So George Bernard Shaw was an Irish playwright and critic. So यहाँ पे क्या पता चलता है कि George Bernard Shaw आयरलैंड को belong करते थे and he was a playwriter. He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman, Pygmalion and Saint John. तो वो नाटक लिखते थे. नाटक पता है ना, plays होते हैं ना छोटे छोटे, और उन्होंने बहुत major नाटक लिखे थे, जैसे कि Man and Superman है, फिर Pygmalion है, Saint John है. He was the leading dramatist of his time. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. उनके टाइम के वे बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट थे एंड उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया था 1925 में. ओके, नेक्स्ट क्या, ये चैप्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है थोड़ा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको. द वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 टू 1453 हैज़ कम टू बी नोन एज द 100 ईयर्स वॉर. तो इंग्लैंड और फ्रांस में एक युद्ध चढ़ा था 1337 से 1453 तक, ऑलमोस्ट 100 साल चला था वो, तो इसलिए उसे 100 ईयर्स वॉर कहते हैं. जॉन वॉज अ पीजेंट गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस हु लेड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग द वॉर. जॉन एक किसान की बेटी थी और वो ईस्टर्न फ्रांस में बॉर्न हुई थी और उसने फ्रेंच आर्मी को बहुत विक्ट्रीज दिलाए थे वो वॉर के ड्यूरिंग. This play begins at the time when all of the northern France and some parts of the southwest were under foreign control. तो ये play कभी शुरुआत होती है, ये play को कभी शुरुआत होती है जब भी northern France और southwest foreign के control के अंदर थे तब भी. The English controlled some parts and the Burgundians controlled the others. कुछ कुछ parts England ने control किए थे और कुछ कुछ Burgundians ने. The city of New Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English. New Orleans पे किसका राज था? English का. The year is 1429. कौन सी ईयर में? 1429. Captain Robert D. Baudricourt, a military officer, is seated at the table. तो ये Robert D. Baudricourt एक military officer थे, वो table पे बैठे हुए थे. His steward stands facing. और उन्होंने क्या बोला कि steward उसे फेस कर रहा था. ओके, सो अभी देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ प्ले कौन से थे. कैरेक्टर्स ऑफ प्ले, फर्स्ट कौन है? रॉबर्ट. रॉबर्ट कौन है? द मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री का एक ऑफिसर है. जॉन, जॉन तो आपको पता है ब्रेव टीनेज गर्ल, वो किसान की बेटी. स्टीवर्ड, स्टीवर्ड इज अ सोल्जर और अ प्लानिंग मैनेजर, एक सोल्जर है जो प्लान करता है. डॉपिन, डॉपिन इज द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा है. पोलेंगे, पोलेंगे इज अ फ्रेंच नोबल मैन हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसोसिएशन विद जॉन. मतलब जॉन के संपर्क में आता है ये पोलेंगे. ओके, एक नोबल मैन है फ्रेंच. नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. द सीन बिगिंस अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द 100 ईयर्स वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. तो नाउ द सीन बिगिंस अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द 100 ईयर्स वॉर, जो आपको पता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, मैंने वो एक्सप्लेन किया ऑलरेडी. कैप्टन रॉबर्ट द मिलिट्री ऑफिसर इज डिस्कसिंग जॉन, अ टीनेज गर्ल हुम ही क्लियरली डिसलाइक्स. जो यहाँ पे जो कैप्टन है रॉबर्ट करके, एक मिलिट्री ऑफिसर है, और वो किसके बारे में डिस्कस करते हैं? जॉन के बारे में, जो कि एक टीनेज गर्ल है और किसकी बेटी है? किसान की बेटी है. और वो उसे पसंद नहीं करता. कौन? कैप्टन रॉबर्ट. वी सी द स्टीवर्ड बींग ऑल प्रेज फॉर जॉन who has managed to inspire the French soldiers to fight against the English. तो जो स्टीवर्ड है यहाँ, तो he praises John, मतलब वो हमेशा तारीफ करते हैं जॉन की. और वो क्या मैनेज करते हैं? जो फ्रेंच सोल्जर्स है उनको हमेशा इंस्पायर करते हैं वो इंग्लिश के साथ फाइट करने के लिए. इन मीन वाइल जॉन एंटर्स टू मीट कैप्टन रॉबर्ट एंड नरेट्स हर प्लान्स टू हिम. तो उसके बाद क्या होता है, जॉन एंटर करती है और कैप्टन रॉबर्ट को मिलती है और कैप्टन रॉबर्ट को पूरा प्लान बताती है. रॉबर्ट थ्रेटन्स टू पुट हर बिहाइंड द बार्स बट शी इज अनअबेस्डली बॉल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड.
तो कैप्टन है वो उसे धमकाता है कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, बट जो जॉन है वो बहुत ही बोल्ड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल है, जो भी उसे लगता है वो सीधा मुंह पे बोल देती है, वो डरती नहीं है किसी से। ओके अभी नेक्स्ट क्या है, शी इन्फॉर्म्स रॉबर्ट दैट पॉलिन गे, जैक, गॉडसेव, डिक एंड देयर सर्वेंट्स, जॉन ऑफ होनकॉर्ट एंड जूलियन विल अकम्पनी हर टू फाइट द इंग्लिश। जॉन अभी क्या इन्फॉर्म करते हैं रॉबर्ट को, जो उसके सर्वेंट्स है, जो उसके साथीदार है, इनफैक्ट पॉलिन गे, जैक, गॉडसेव, जूलियन, ये उसे अकम्पनी करेंगे, उसे हेल्प करेंगे ब्रिटिश से फाइट करने के लिए। रॉबर्ट थिंक्स दैट शी हैज़ लॉस्ट हर माइंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम हिज मैन कैन गेट द जॉब डन बेटर। तो रॉबर्ट को क्या लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और उसे क्या लगता है कि उसको जो सोल्जर्स है वो आराम से हरा सकते हैं इंग्लिश को। रॉबर्ट सेंड्स फॉर मॉन्स्यूअर डी पॉलिन गे एंड इंक्वायर्स इफ ही वॉज टेकिंग जॉन सीरियसली। तो रॉबर्ट अभी किसे भेजता है, मॉन्स्यूअर डी पॉलिन गे को भेजता है और इंक्वायर करता है कि वेदर वो जॉन को सीरियसली ले रहा है क्या। पॉलिन गे एक्सप्लेन्स दैट देर इज समथिंग अबाउट जॉन एंड ही थिंक्स दैट इट इज़ अ गुड आइडिया टू लेट जॉन मीट द डॉफिन इन चिनॉन। तो पॉलिन गे क्या एक्सप्लेन करता है रॉबर्ट को कि जॉन में कुछ तो बात है एंड उसे क्या लगता है कि एक अच्छा आइडिया होगा अगर हम लोग ने जॉन को डॉफिन इन चिनॉन से मिलने का मौका दिया तो। क्यों, बिकॉज द डॉफिन इज स्केर्ड एंड वुडन फाइट टू स्टॉप द इंग्लिश, बिकॉज डॉफिन बहुत ही डरा हुआ है और वो कभी फाइट नहीं करेगा इंग्लिश को स्टॉप करने के लिए। ओके देन नेक्स्ट क्या है, ही बिलीव्स दैट जॉन हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल हु कुड मिरेक्यूसली फ्री ऑर्लियंस। हाउएवर रॉबर्ट इज नॉट कन्विंस्ड। तो पॉलिन गे को क्या लगता है कि जॉन खुद में एक मिरेकल है और वो उसके अनोखे अंदाज से ऑर्लियंस को फ्री कर सकते हैं, बट रॉबर्ट को कन्विंस नहीं होता, मतलब उसे ठीक नहीं लगता ये जो भी कुछ चल रहा था वो। ही ट्राइज टू स्केयर जॉन बट शी सीम्स अनअफ्रेड एंड टेल्स हिम दैट इफ गॉड इज ऑन योर साइड नथिंग इज डिफिकल्ट। तो रॉबर्ट है वो जॉन को डराने की कोशिश करता है, बट वो उसे क्या कहती है, अगर भगवान हम लोग के साथ रहेगा तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जॉन पॉइंट्स आउट दैट द फ्रेंच सोल्जर्स वुड रन अवे टू सेव देयर स्किन बट शी वुड टीच देम टू फाइट फॉर फ्रांस। तो जॉन क्या कहती है कि जो फ्रेंच सोल्जर्स है वो हार मानेंगे बट वो वैसा होने नहीं देगी, वो उन्हें सिखाएगी कि लास्ट तक हमें फाइट करना है हम लोग के फ्रीडम के लिए। फाइनली रॉबर्ट डिसाइड्स टू टेक अ रिस्क एट द इंसिस्टेंस ऑफ पॉलिन गे एंड गिव्स जॉन अ चांस एज देर इज समथिंग अबाउट हर दैट इज एक्सट्रीमली कन्विंसिंग। तो फाइनली रॉबर्ट क्या डिसाइड करते हैं, वो पॉलिन गे की बात मानता है और वो जॉन को एक चांस देता है प्रूव करने का और कन्विंस हो जाता है वो फाइनली। ओके तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। रॉबर्ट आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, यू हैव 50 आर्म सोल्जर्स एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, आर दे अफ्रेड ऑफ हर? स्टीवर्ट, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस, शी रियली डजेंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉबर्ट क्या कहते हैं कि जो वो लड़की है उसे बाहर निकालो, अभी कौन लड़की है आप सबको पता है, वो आपको आगे समझ में भी आएगा इनफैक्ट। और वो रॉबर्ट क्या कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 50 सोल्जर्स है और सर्वेंट्स भी है और ये मेरा ऑर्डर है कि तुम उसे बाहर निकालो। तो रॉबर्ट पूछते कि क्या तुम उस लड़की से डरते हो, तो स्टीवर्ट कहते हैं कि नहीं सर, हम डरते नहीं है, बट वो बहुत ही करेजियस लड़की है, बहुत ही धैर्यशील लड़की है और उसे कभी डर ही नहीं लगता किसी चीज़ का। और वो क्या कहते हैं कि सिर्फ आप ही उसे डरा सकते हो सर। ओके रॉबर्ट ग्रिमली, परहैप्स, वेयर इज शी नाउ? स्टीवर्ट, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर। तो रॉबर्ट पूछता है उसे कि है कहाँ वो, तो स्टीवर्ट क्या कहता है कि नीचे है कोर्टयार्ड में। तो फिर उसकी एंट्री हो जाती है, द गर्ल एंटर्स, शी इज अ वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 ईयर्स, द स्क्वर्स ग्लेयर नीदर फ्राइटेंस हर नॉर स्टॉप्स हर, शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। तो गर्ल की एंट्री होती है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल दिखती है जो कि 17-18 साल की होगी और वो किसी से डरती नहीं और उसे कोई रोकता भी नहीं, वो कॉन्फिडेंटली स्पीक करती है, मतलब जो उसका है, जो भी उसका ओपिनियन है वो बता देती है सीधे, बिकॉज शी इज़ वेरी बोल्ड एंड शी इज़ अनअफ्रेड। ओके
जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू डॉफिन. रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड, वाई डिडंट यू टेल मी सो, यू ब्लॉकहेड. स्टीवर्ड, सर यू डू नॉट एंगर हर, गिव हर वॉट शी वॉन्ट्स. तो जॉन अभी रिक्वेस्ट करती है रॉबर्ट को कि आप हमें कुछ घोड़े दे, कुछ आर्मर्स दे और कुछ सोल्जर्स दे. क्यों? बिकॉज वो उन सबको डॉफिन के यहाँ भेजना चाहती थी. तो रॉबर्ट क्या करते हैं, ये गर्ल पागल है क्या, ये लड़की पागल हो गई है, इसको कुछ दिमाग है कि नहीं. तो स्टीवर्ड कहते हैं कि सर उसे प्लीज़ गुस्सा मत दिलाइए और उसे जो चाहिए वो आप प्लीज़ दे दीजिए. रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की. जॉन, यू थिंक यू विल स्क्वर, बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे. यू सेड यू वुड नॉट सी मी, बट हियर आई एम. रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट. तो रॉबर्ट क्या कहता है कि मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे पिताजी के पास भेज दूंगा और तुम्हें लॉक करवाऊंगा. तो जॉन क्या कहती है, आपको लगता है आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं होने वाला, बिकॉज आपने बोला था कि आप मुझे नहीं देखेंगे, बट फिर भी मैं आपके सामने हूँ. तो रॉबर्ट क्या कहता है, तो क्या तुम अज्यूम कर रही हो कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा. जॉन, यस स्क्वायर, अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स, इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर. आई डोंट नीड ब्यूटिफुल आर्मर मेड टू माई मेजर, आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ. आई शैल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स, द डॉफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस. रॉबर्ट, शॉक्ड, टू फ्री ऑर्लियंस. तो जॉन क्या कहती है कि एक हॉर्स 16 फ्रैंक्स कॉस्ट करेगा. फ्रैंक्स मतलब फ्रांस की करेंसी है, हमारी कैसी रुपीज़ है, यूएस की यूएस डॉलर है, वैसे फ्रांस की फ्रैंक्स है. तो वो क्या कहती है कि जो हॉर्स है वो बहुत महंगा आएगा, इट विल कॉस्ट बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट वो क्या कहती है, वही पैसा हम लोग आर्मर के लिए सेव कर सकते. तो उसने क्या कहा कि मेरे को ब्यूटीफुल आर्मर नहीं चाहिए. आर्मर मतलब एक डिवाइस आता है प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर के टाइम, ओके, वो सर्कल रहता है ना, मतलब आपने देखा होगा वॉर्स में जो गोल गोल रहता है पूरा, वो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे आर्मर कहते हैं. तो वो क्या बोलती है, मेरे को ब्यूटीफुल आर्मर भी नहीं चाहिए, मैं सोल्जर का आर्मर ले लूँगी, ओके. देन शी टेल्स कि उसे कुछ सोल्जर्स की ज़रूरत है सिर्फ, और बाकी के जो भी सोल्जर्स है वो डॉफिन उसे दे देगा. क्यों दे देगा? बिकॉज उसे ऑर्लियंस को फ्री करना है. और रॉबर्ट फिर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो उसे पूछता है इनफैक्ट कि तुम ऑर्लियंस को फ्री करोगी. जॉन, सिंपली, यस स्क्वायर, थ्री मैन विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी. पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस्ड मी टू कम विथ मी. रॉबर्ट, यू मीन मोनसियर डी पोलिंगे? जॉन, यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली. He is a very kind gentleman and gives me money to give to the poor. I think John Godsave will come and Dick the Archer and their servants John of Honcourt and Julian. There will be no trouble for you, Squire. I have arranged it all. You have only to give the order. तो यहाँ पे जॉन है वो रॉबर्ट को क्या कहती है कि मैंने सब प्लान किया है और मेरे साथ तीन और लोग आएंगे. तीन और लोग कौन? एक तो पॉली है, पॉली मतलब पॉलिन गे, फिर जैक है और उसके सर्वेंट्स है. तो रॉबर्ट उसे पूछता है कि मोनेसुल डी पॉलिन गे के बारे में बात कर रहे हो क्या तुम? तो वो बोलते हैं कि हाँ, उसके बारे में, वो बहुत ही काइंड जेंटलमैन है और वो उसे हमेशा पैसे देता है गरीबों को बांटने के लिए. और आगे क्या कहती है वो कि जॉन गॉडसेफ भी आएगा, डिक आर्चर है वो भी आएगा और उसके सर्वेंट्स भी आएंगे. और वो उसे अश्योरेंस देती है कि कुछ तकलीफ नहीं होगी आपको, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, आप सिर्फ मुझे ऑर्डर दो, ओके. अभी आगे क्या होता है, रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड, इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर डी पोलिंगे? स्टीवर्ड ईगली, यस सर, एंड अबाउट मॉन्सियर डी मेट्स टू, दे बोथ वॉन्ट टू गो विथ हर. रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड शाउट्स इन टू द कोर्ट यार्ड, सेंड मॉन्सियर डी पोलिंगे टू मी, विल यू? ही टर्न्स टू जॉन, गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड. तो यहाँ पे क्या होता है, रॉबर्ट स्टीवर्ट से पूछते हैं जो ये पोलिन गे के बारे में पूछ रही है वो सच है क्या? तो स्टीवर्ट बोलते हैं कि हाँ वो सच है, उसके साथ और एक मॉन्सियर आने वाला है, वो दोनों को भी जॉन के साथ जाना है. रॉबर्ट फिर क्या करते हैं,
विंडो के पास जाता है और ऑर्डर्स देता है कि पॉलिन गे को मेरे सामने लाओ, और जॉन को क्या कहता है कि तुम अभी इधर से बाहर जाओ और यार्ड में वेट करो। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम राइट स्क्वायर शी गोज आउट। रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड गो विथ हर स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर आई शैल हैव हर अप हियर अगेन। द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हेस्टिली। बर्ट्रैंड डी पॉलिन गे अ फ्रेंच गार्ड एंटर्स सल्यूट्स एंड स्टैंड्स वेटिंग। तो आगे क्या होता है, जॉन स्माइल करती है और रॉबर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करती है और बाहर जाती है। फिर रॉबर्ट क्या करते हैं, स्टीवर्ड को ऑर्डर देते हैं कि तुम उसके साथ रहो और उस पर नज़र रखो, मैं उसे फिर से यहाँ बुलाऊंगा। एंड इसी वक्त एंट्री होती है पॉलिन गे की, जो कि एक फ्रेंच गार्ड है, और वो रॉबर्ट को सल्यूट करते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। ओके रॉबर्ट शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर व्हाट फॉर डू यू टेक अ क्रेजी आइडिया गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली। पॉलिन गे स्लोली देर इज समथिंग अबाउट हर इट मे बी वर्थ ट्राइंग। रॉबर्ट ओ कम ऑन पॉली यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। तो रॉबर्ट यहाँ पॉलिन गे से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि तुम जैक और डिक उसके साथ जा रहे हो डॉल्फिन के पास। तो पॉलिन गे कहते हैं कि हाँ सर हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वर्थ ट्राइंग, मतलब हमें ट्राई करना चाहिए बिकॉज उसमें कुछ तो बात है। फिर रॉबर्ट क्या कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पॉलिन गे अनमूव्ड व्हाट इज रॉन्ग विथ इट द डॉल्फिन इज इन चिनन लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। रॉबर्ट ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टार्गिस आई वॉज विथ हिम। पॉलिन गे बट ही इज मैनर काउड एंड नाउ ही कांट वर्क मिराकल्स एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिराकल। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिन गे उसे पूछता है रॉबर्ट को कि बात क्या है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, डॉल्फिन तो चिनन में रह रहे हैं, और चिनन क्या होता है, चिनन एक ऐसा प्लेस रहता है जहाँ रॉयल फैमिलीज रिसाइड करते रहते, मतलब सब अमीर लोग रहते। तो वो क्या कहते हैं कि वो चिनन में एक चूहे की तरह छुपा हुआ है और वो डर रहे फाइट करने से, और अगर ऐसा होगा तो इंग्लिश ऑर्लियंस ले लेंगे और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर रॉबर्ट क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, उसने लास्ट ईयर इंग्लिश को बीट किया है, डिफीट किया है, कहाँ पे, मॉन्टार्गिस में, और मैं वहाँ पे था। बट पॉलिन गे क्या कहते हैं, ही टेल्स दैट अभी उसके जो आदमी है वो ऑलरेडी डर गए, काउड मतलब डर गए, और अभी वो कुछ मिरेकल्स नहीं कर सकते, कुछ चमत्कार नहीं कर सकते। और वो क्या कहते हैं कि अगर हमें अभी इंग्लिश से बचना है तो हमें सिर्फ एक चमत्कार ही बचा सकते हैं। ओके रॉबर्ट मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज। पॉलिन गे आई यूज टू थिंक सो आई एम नॉट सो श्योर नाउ देयर इज समथिंग अबाउट हर आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस लेट्स सी व्हाट शी कैन डू। रॉबर्ट वेवरिंग यू रियली थिंक दैट। अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है, रॉबर्ट पॉलिन गे से पूछते हैं कि मिरेकल्स का ठीक है बट आजकल वैसे चीज़ें होती नहीं है। तो पॉलिन गे कहते हैं हाँ मैं भी नहीं मानता बट वो लड़की में कुछ तो है, ऐसे मुझे लगता है वो मिरेकल लाएगी कुछ भी करके, शील डू अ बिट ऑफ मिरेकल, ऐसे वो कहते हैं। ओके एंड ही सेज दैट ये हमारा आखिरी चांस है अभी, अगर हम लोग ने अभी कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। फिर रॉबर्ट उसे क्या पूछते हैं कि तुम्हें सच में ऐसे लगता है। पॉलिन गे टर्निंग इज देर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक लेट्स टेक अ चांस हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी। रॉबर्ट गिविंग अप फ्यू यू आर एज मैड एज शी इज। पॉलिन गे ऑब्स्टेंटली वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिन गे रॉबर्ट से कहता है वैसे भी हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है सोचने के लिए, तो हम लोग चांस लेके देखते हैं। तो वो क्या कहते हैं, मेरे को जॉन में पूरा भरोसा है और उसने जो भी मेरे को कुछ कहा है उससे मेरे को एक अलग ही जोश आया है। तो रॉबर्ट फाइनली गिव्स अप एंड वो क्या बोलता है उसे कि तू भी उसकी तरह ही पागल है। पॉलिन गे कहते हैं कि हम लोग को वैसे भी पागल लोग ही अभी चाहिए बिकॉज कुछ भी करके हमें जीतना है ये वॉर। ओके रॉबर्ट आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर। पॉलिन गे आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनन अनलेस यू स्टॉप मी। रॉबर्ट डू यू थिंक आई ओट टू हैव अनदर टॉक विथ हर। पॉलिन गे
गोइंग टू द विंडो. यस जॉन कम अप. जॉन एंटर्स. अभी यहाँ पे क्या होता है, रॉबर्ट क्या कहता है पॉलिन गे से कि अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं एक उल्लू का पट्टा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को. तो पॉलिन गे क्या कहता है कि आप चिंता मत करो, हम उसे चिनिन लेके जाएंगे. तो रॉबर्ट उसे क्या कहता है कि तुम श्योर हो मैं फिर से एक बार बात करूँ जॉन से. तो पॉलिन गे कहते हैं हाँ आप ज़रूर उससे बात कीजिए. एंड फिर क्या होता है, जॉन की एंट्री होती है. पॉलिन गे ग्रेवली, बी सीटेड जॉन. रॉबर्ट व्हाट इज योर नेम. जॉन दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन. हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, द सोल्जर्स कॉल मी द मेड. रॉबर्ट हाउ ओल्ड आर यू. जॉन 17. सो दे टेल मी इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर. तो पॉलिन गे अभी थोड़े सीरियस टोन में जॉन को बैठने के लिए कहता है. फिर रॉबर्ट उसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. जॉन कहते हैं मेरे को लॉरेन में जेनी बुलाते हैं, फ्रांस में मेरे को जॉन बुलाते हैं, और सोल्जर्स मुझे मेड बुलाते हैं. फिर रॉबर्ट पूछते हैं कितने साल के हो तुम. तो वो कहते हैं 17. एंड फिर वो थोड़ा हेजिटेट होती है और वो बोलते हैं कि 19 भी हो सकता है. रॉबर्ट आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एज ईजी एज चेसिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो. यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब. जॉन आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन योर साइड. तो अभी रॉबर्ट उसे क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सोल्जरिंग आसान जॉब है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे काव को चेस करते हो, काव के पीछे पीछे दौड़ते हो, उतना ईजी है ये सब. ऐसे नहीं है, चारों ओर से अटैक होता है. फिर जॉन क्या कहती है कि ऐसे नहीं है, आई नो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, बट हमारे साइड पे भगवान है. अगर हमारा भगवान पे विश्वास है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी काम डिफिकल्ट हो. रॉबर्ट ग्रिमली, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग. हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इन टू अ डेजर्ट. हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ द प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर. तो अभी रॉबर्ट बहुत गुस्से से जॉन को पूछता है कि तुम्हें इंग्लिश सोल्जर्स के बारे में पता भी है, तुमने कभी उनको लड़ते हुए देखा है, तुमने कभी उनको शहर जलाते हुए देखा है, तुम्हें क्या पता है इंग्लिश सोल्जर्स के बारे में. यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीन बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे. बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस, देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शीप. यू एंड पॉली विल लिव टू सी द डे वेयर देयर विल नॉट बी सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस. तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जॉन क्या कहता है रॉबर्ट से कि आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ. वो कहती है कि हमारे सोल्जर्स बार बार डिफीट क्यों सहन करते, क्यों हारते हैं बार बार, बिकॉज वो खुद के लिए लड़ते, खुद के सेफ्टी के लिए लड़ते, इसलिए वो भाग जाते. बट मैं उन्हें सिखाऊंगी कि हमें खुद के लिए नहीं लड़ना है, हमें अपने कंट्री के लिए लड़ना है. ओके एंड वो कहती है कि आप और पॉली सिर्फ देखते जाओ, एक भी इंग्लिश सोल्जर नहीं रहेगा फ्रांस के सॉइल पे, मतलब सबको हम भगाएंगे और डिफीट करेंगे सबको, ऐसा कॉन्फिडेंस वो जताती है. रॉबर्ट टू पॉलिन गे, दिस मे ऑल बी नॉनसेंस पॉली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, दो नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इन टू देम. इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट, एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इन टू हिम शी कैन पुट इट इन टू एनीबडी. Robert, turning to John, now you listen to me and don't cut it before I have time to think. Your orders are that you are to go to Chinin under the escort of this gentleman and three of his friends. अभी यहाँ पे क्या होता है, रॉबर्ट क्या कहते हैं पॉलिंगे से, वो कहते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो नॉनसेंस हो सकता है, बट इसके बात में दम है, बिकॉज इसने जो कहा उससे हमारे जो सोल्जर्स है उसमें इंस्पिरेशन आएगा और वो फाइट कर सकते हैं. और वो क्या कहते हैं कि इससे डॉफिन भी बिलीव कर सकते हैं और वो भी कुछ फाइट दे सकते हैं. फिर रॉबर्ट जॉन को क्या कहते हैं कि अभी मेरे ऑर्डर्स है कि तुम चिनिन जाओ अपने तीन फ्रेंड्स के साथ. जॉन रेडियंट क्लास्पिंग हर हैंड्स, ओह थैंक यू स्क्वायर. पॉलिन गे, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस. रॉबर्ट आई डोंट नो, हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस. आई विल सेंड हर टू चिनिन
एंड शी कैन से आई सेंटर देन लेट कम वॉट मे आई कैन डू नो मोर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जॉन थैंक करती है रॉबर्ट को, ओके फिर पॉलन के रॉबर्ट से पूछता है कि वो रॉयल प्रेजेंस कैसे एंटर कर सकती है। तो रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे को पता नहीं वो मेरे को कैसे मिली, वैसे ही शी कैन गो देर एंड शी कैन टेल कि मैंने उसको भेजा है और फिर आगे जो भी डिफ़िकल्टीज होके वो खुद संभालेगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जॉन एंड द ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर। रॉबर्ट टेक वॉट यू प्लीज, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। जॉन वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, कम पॉली, शी डैशेज आउट। तो यहाँ पे जॉन पूछती है रॉबर्ट से कि मेरे ड्रेस के बारे में क्या, मुझे सोल्जर का ड्रेस मिल सकता है ना। तो रॉबर्ट कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। फिर जॉन बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और उसे अभी लगने लगता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा और वो पॉली को अपने साथ लेके जाती है। रॉबर्ट शेकिंग पॉलिन गेज हैंड, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, बट एज यू से देर इज समथिंग अबाउट हर पॉलिन गे, यस देर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। तो क्या होता है आगे, रॉबर्ट है वो पॉलिन गे से हाथ मिलाते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं और जाते जाते उन्हें ये कहते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा चांस ले रहा हूँ, दूसरे आदमी भी थे वो ये काम कर सकते थे बट आपके कहने के मुताबिक मैंने जॉन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, बिकॉज जैसे आप कहते हैं कि उसमें कुछ तो बात है तो हमें ट्राई करनी चाहिए। तो पॉलिन गे वही कहते हैं कि हाँ उसमें सच में कुछ तो बात है एंड देन ही गोज अवे। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है कि जॉन ने कभी हार नहीं मानी, उसने कोशिश की, हमेशा वो कोशिश करते रही और जो कि उसके फेलो मेट्स थे, जो कि उसके फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी बहुत कन्विंस किया रॉबर्ट को जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे एंड फाइनली रॉबर्ट मान गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, वी शुड ऑलवेज गो फॉर इट। ओके सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, थैंक यू।